देखो ना आप रो रही है ना, मुझे पता है आप रुक जाओ ना, ना आज रुक जाओ, फिर सुबह चली जाना। क्यों? मैं बस वे दिया कह रहा था कि आपको पार्क जाना है, अकबर के घर जाना है, कहीं नहीं जाना। अच्छा कोटा दू जाना है, मैं मेरे मगरू लह जाओ। हाँ जी मैं इसके मगरू लह। अच्छा अब्बास अच्छा है या अल्ताफ अच्छा है? अल्ताफ अच्छा है, अब्बास अच्छा है। हम दुनिया में आए हैं, इम्तिहान है दुनिया, तो हम इम्तिहान दे सदके आपके दांत बिल्कुल चिट्टे हो जाएंगे। सही है क्या? जो बंदे मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? अच्छा जो मर जाते हैं वो शेखा भट्टे चले जाते हैं। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ रहमानी मंजन, इससे दांत बिल्कुल वाइट वाइट हो जाते हैं, जो पीले पीले होते हैं दांत। भी पूछ रहा था इनके रियल नाम क्या है, एक तो शहजादी है एक परी है, इनका असल नाम क्या है? तो ये शहजादी जो है इसका असल जा रहे हैं मेहमान और गाड़ी वो आई हुई है। तो ये उड़ के आया है, ये देखें ये क्या बोलते हो आप अपनी जबान में, मुझे बताना इसको क्या बोलते हो? हम तो इसको बोलते हैं बीबी सैन का खाओ। हाँ शाबाश बनाओ। हाँ भाजीदा नहीं है। हाँ जोर लगा। वाले हैं क्या अबू जान की वेश है अलीपुर जाना, तो कोई बात नहीं अलीपुर को अलीपुर ले जाते हैं अबू जान को घुमाने के लिए। सही है, उनकी दवाई ले आया हूँ। अम्मी जान के पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया था तो इंजेक्शन लगवाया। सरदार इधर देखो आपका मुखालिफ बंदा आया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सरदार मेरी पुप्पो हड्डियाँ खा रही हो, दांत तो है नहीं आपके। नीचे भी गिरा रही हो। अरे वो मैं सदके थी, वो मेरा ढोलाना, वो मेरा कालूआ। सोना सोनी हो आप, सबसे ज्यादा सोनी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों हमारा सुबह वाला व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है स्नेक दुआ के साथ के, जो मेरे बहन भाई जो मेरे दोस्त जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियां दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी दोस्तों हमारा सुबह वाला जो है ना व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेहमान थे हमारे घर, और सुबह सुबह तो सलमा ने वीडियो पिछली बनाई है, जो रात को हमने बनाई थी वो कंप्लीट नहीं थी, तो फिर सुबह का जो नाश्ता था वो उस वीडियो में फिर डाल दिया। तो अभी जो है दूसरी वीडियो फिर मैंने स्टार्ट कर लिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं सोया हुआ था तो फिर ना मुझे बुला लिया गया कि सुल्तान ने कॉल की जल्दी उठो और हमें छोड़ने जाओ, तो वो कहते हैं कि हमें खानपुर सिटी छोड़ने जाना है, गाड़ी पता नहीं किसकी लेके आया है, असलम की है पता नहीं अहमद की है, वो कहता है हमारी फैमिली को छोड़ के आओ उधर। तो अभी जो है मैंने बस मुंह हाथ धो के ना उठा हूँ और अभी जो है इनको लेके चलता हूँ छोड़ने। और यहाँ पर ये देखो ये सेल्फियाँ बना रही है, पता नहीं किसकी सेल्फियाँ बना रही है, अपनी आप की बना रही थी। हाँ फिर सलाम दुआ कर लो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारा व्लॉग जो है ना वो शुरू हो चुका है ना, हमारे साथ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वो जा रही है अकेला छोड़ के। तो बाकी जो है ना देखे मैंने सुबह जो है ना नाश्ता भी नहीं बनाया था उनको, जो है बस चाय पापा खिलाया, उसके बाद अभी मैं खाना बना रही थी, वो भी मैं चिकन पुलाव बना रही थी, और उनका टाइम हो गया है तो वो कहते हैं हमारी गाड़ी जो है ना वो मिस ना हो जाए, वो कहते हैं हमें जो है ना लेट हो जाएगी। वो देखे वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। और आपका इधर सालन जो है? हाँ इधर मैं जो है ना बस अभी गैस आया है तो मैंने अभी शुरू किया है इधर बनाना। ये देखें जी यहाँ पे चिकन बन रहा है, चिकन जो आप रात लेके आए थे ना उधर से मैंने जो है ना एक चिकन निकाल के ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि वो मैंने बहुत सोचा था कि रात को तो रोटी बनाई थी साथ में चिकन बनाया था, मैंने सोचा था कि कल जो है ना फिर मैं ये चिकन डाल के ना चावल बना लूँगा। फिर आप वो तो जा रहे हैं, अब क्या होगा? वो जा रहे हैं पर जो दूसरे बैठे हैं उनको खिलाएंगे खुद खाएंगे, लेकिन वो डॉक्टर सुल्तान कहते हैं मैं वापस आ जाऊँगा अम्मी को छोड़ के बस के ऊपर, वो चढ़ा के वापस आ जाए।
अभी तो ये कह रहा है पता मुझे नहीं कैसे क्यों उठाया उसने, मुझे इसलिए उठाया कि हमें छोड़ के ना, पता नहीं मेरे साथ प्रैंक कर रहा है मेरे को, पता नहीं मैं पूछता हूं। हां डॉक्टर सुल्तान किधर है? हाय मेरी फूफो, मेरी सोनी फूफो, अस्सलाम वालेकुम फूफो, क्या हाल है? खुश हो तबीयत ठीक है? खुश बैठी, मजा ले बैठी, मजा ले बैठी। मैं सब कहती हूं मेरा ढोलाना, वह मेरा कालू हुआ, सोना सोनी हुआ, सबसे ज्यादा सोनी हो। और अम्मी जान उधर बैठी हुई है, और डॉक्टर सुल्तान अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई वापस आ गए हो? हाँ हाँ यार। अच्छा ये मुझे बताओ कि आप प्रैंक कर रहे हो क्या? किस चीज़ का? ये अपनी खाला के साथ किस चीज़ का प्रैंक? पूछो। हाँ आप मेरी सिस्टर को छोड़ के उधर बस पे बिठा के वापस आते हो, तो फिर इसको क्यों उठाया कि हमें छोड़ के आओ? हाँ चोरी पकड़ी गई। असल में ये बात है ना, क्या बात है, इसके बगैर मेरा दिल नहीं। ओहो सही बता रहा हूँ ना, चोरी पकड़ी गई है, आप जितना छुपाओ ना। असल में ये है ना, ये अभी इधर आया तो इधर डिसाइड हुआ ना, इधर बिरयानी बन रही है, अब बिरयानी को मैं छोड़ नहीं सकता। फिर अभी टाइम देखो ना, आधा घंटा पूरा रहता है एक बजने में, तो बिरयानी पक जाएगी। बताऊँ ना, हाँ एक बजे राइट, क्या माँ से गोली हो जाती है, फिर अम्मी ने लाजमी जाना, अम्मी से पूछो कि वो रुक भी नहीं रही। मैं तो कहता हूँ अगर वो देखो उसको देखो, उसने तो कपड़े भी उठा लिए, वो देखो साहब से आगे वो भाग रही है, बच्चियों को तैयार कर। पूछ लो अगर नहीं जाती तो पूछ लो। हाँ आप रुक जाओ ना, आज रुक जाओ, फिर सुबह चली जाना। क्यों? मैं बस वे दिया। हाँ किंजा आप रुक जाओ, सुबह भी हमारी लड़ाई हुई थी, सुबह जो है ना आप ही हमारे ऊपर तो नाराज नहीं है ना, वो आप ही फिजा पे नाराज होके जा रही है। क्यों? वो कहती है मैं इधर इतनी दूर से आई हूँ, वो आती मेरे को मिलती, उसको पता है बड़ी सिस्टर आई हुई है, तो वो सुबह भी हमारी लड़ाई हो रही थी, तो सुबह वाले व्लॉग में बहन भाई देखेंगे कि आप ही जो है ना बहुत नाराज थी, उसके लिए बोला कि अब मैं घर जा रही हूँ, वो आई भी नहीं है मुझे मिलने के लिए। अब क्या कहें हम, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अमीना सरदार, हम क्या कह सकते हैं? अकबर घर जो चलो दुआ कर जल्दी जल्दी कार हो जाए। कहे तू मुझे चौक भी नहीं कभी कुछ छोड़ पड़े वो दरवाजे चले धक्के मसी धक्के मसी। अच्छा या कहते छोटी चीज ना लेना बड़ा ट्रक लेना पूरी फैमिली को उठाने के लिए। और अम्मी आप सुनाओ ठीक हो? आप भी नहीं मान रहे मेहमान, आप भी नहीं मान रहे? नहीं यार ये असल रीजन क्या है आपकी अम्मी को क्यों जल्दी क्या है? असल रीजन ये है ना कि उधर जो है ना घर वाले जब कॉल करते हैं ना तो अम्मी परेशान हो जाती है, अम्मी की कांपे टांग जाती है, अम्मी परेशान हो जाती है। अच्छा ये वजह है और कोई वजह नहीं है? सही सही कॉल आ गई ना घर से, आप कुछ भी हो जाए नहीं रुकेगी। अच्छा चलो चलो फिर करो, टाइम तो रह गया बस कितना, 35 और 25 मिनट। हाँ हाँ क्योंकि वो देखो ना एक बजे अगर टाइम आता था इजाजत लेनी है अब इसने, तो इजाजत ले लो मिल लो। दिल नहीं कर रहा वैसे इजाजत, वो देखो इजाजत इजाजत, ये बिछोड़ा, ये बिछोड़ा होता है। सिस्टर इतने दिनों के बाद आई है, अब उसको कैसे, एक रात भी एक रात गुजरी और फिर जा रही है। वो इधर देखो तो उधर उधर देखो, बड़े सिस्टर इतने दिनों के बाद आई, रोने लग रही है। वो मिलती नहीं और ये ऐसे ऐसे रो रही है, देखो इसके काम। जल्दी मिलो टाइम थोड़ा है। आप दोनों कैमरे बंद करो फिर हम मिलेंगे। नहीं हम कैमरे नहीं मिलवाएंगे, पता तो चले कैसे मिलती हो आप लोग। ये ऐसे मिलती है देखो, ये ऐसे देखो मिलती है, ऐसे ऐसे मिलती है, रो रही है ना, रो रही है ना, देखा मुझे पता है ये रो नहीं था, रो रही हो ना। अमीना तेरी भाभी रो रही है, आ जा सी वापस, उसको बोलो ना चुप हो जाए। कुछ चीज
आपने सही है, जबरदस्त हो गया, सही है, चले चलो चलो जी, चलो आप चलो 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 चलो, लेट बहुत हो गया। मैं आपकी गिच्ची हूँ, गिच्ची फेट हो, नहीं वो आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, मेरे को पता है, मैं आ रहा हूँ ये ना वो प्रैंक में बिरयानी खा जाओ, मेरा इसे ना रखो, ये मैं पहले बता रहा हूँ, वरना बिरयानी रखी होगी अगर ना आए तो। बिरयानी की टेंशन नहीं लो, मैं बिरयानी जो है ना भिजवा दूंगी, कहीं ये ना हो मेरी सिस्टर को आप गुम कर दो, वो कहीं जो है ना गुम हो जाए फिर। चले चलो सबको सलाम देना, चलो जी चलते हैं फिर, मैं तो इन्हीं के साथ ही जा रहा हूँ, मैंने तो जाना है इनको छोड़ने, तो बाकी जो है ना इधर से अलविदा हो चुकी है, अब चलते हैं फिर सिटी। देखें जी ये जा रहे हैं मेहमान और गाड़ी वो आई हुई है, और सुल्तान लेके आया वो गाड़ी, और ये जा रहे हैं कि मेरे अहमद वाली गाड़ी है, चलते हैं फिर इनको छोड़ने। जी दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बस अड्डे पे, ये देखें बस अड्डा, और इधर से ना इनको लहाता हूँ मैं, किन्जा को भी लहाता हूँ, और इधर चलते हैं फिर सीट का पता करते हैं फिर आगे चलेंगे। चलो जी आओ पहले इनको बैठने दो, हम चलते हैं। सुल्तान की अम्मी को जो है छोड़ के ना अब वापसी आ गए हैं, और ये बंदा मेरे साथ आ गया, ये कहता है कि मैंने नहीं जाना, ये रोने लग गया। मैं बात करूं सीधी, हाँ बिरयानी आप अगर ना बना देना, हाँ मैं घर चला जाऊंगा। अच्छा बिरयानी की खातर वापस जा रहे हो? वापस, हाँ जी बिरयानी की खातर वापस। ये देखें जी ये बिरयानी की खातर आ गया है, ये समझो कि मेरा मेरी तरह है ये बंदा भी, हाँ। बिरयानी की खातर सब को छोड़ छाड़ देगा। अभी जो है ना हम इधर रुके हुए हैं, हमने पिया है घोटा, हाँ। ये और इधर से अब चलते हैं वापस घर की तरफ, हाँ क्योंकि फिर अगले बंदे इंतजार ना करते रहे ना खाने के लिए, ऐसे ना ये हुए ना। अब चलते हैं जी घर, और उधर जो भी माहौल होगा रूटीन होगी इंशाल्लाह। मैदा मैंने भी ठंडा कर लिया, अभी कर लिया है ना, हाँ जाके बिरयानी ठूसनी है हमारे। ये मैदा इसलिए तो मैंने घोटे का बोला है ना, घोटा पी लिया ताकि मैदा जो है ना फ्रेश हो जाए, फ्रेश हो जाए। अब जो है ना हमारा मैदा दोनों का हो गया है, ओके अभी जाते हैं फिर खाना खाएंगे जबरदस्त होके, ओके और खोके ऐसे ना। और जो है ना हाजी अहमद उसकी शॉप बंद है, हाजी अहमद ये वाली थी ये बंद है, हाजी अहमद जानते हैं ना, अहमद का सोतर सोतर जिसको बोलता है उसकी शॉप, हाँ सोतर 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 उसकी शॉप जो है बंद है, और हम जो है ना वापसी की तरफ जा रहे हैं, बाईपास की मोड़ करना, अब हम वापस अपने इलाके की तरफ जा रहे हैं। ये बाईपास है, आगे से वही पाकिस्तान चौक, फिर इधर कलिंडर साइड दूसरी साइड मतलब लेफ्ट साइड हम चले जाएंगे। चल भाई चाचा ये देखो ये आए हुए हैं स्प्रिंग वाले, ये मटेरियल वाले बिल्डिंग मटेरियल, इनका कंस्ट्रक्शन वालों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना बंदा अगर ये करना लग जाए, ये मतलब ये हो गए ना सरिया बजरी सीमेंट ये चीज़ें, इसका काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ कानपुर में खास तौर पे, क्योंकि यहाँ ये कराची में भी बहुत, हाँ इधर क्योंकि बनाते हैं। ये है जी पाकिस्तान चौक, और ये अंदर उने शहर खानपुर, और ये हम जाने ना इधर जा रहे हैं अपने, हमने टर्न करना है और हम जा रहे हैं अपने सिटी की तरफ, चौक की तरफ। हमारा सिटी थोड़ी है, चौक है छोटा सा, लेकिन ये खानपुर जो है ना शहर है ये हमने छोड़ दिया है, और अब जो है ना हम जा रहे हैं वापस, तो उधर जाकर फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं। पहले वापस आ चुके हैं घर, और इधर जो है ना मैडम साहब अपने कामों में वैसे लगी हुई है, और जैसा कि सुल्तान ने बोला था ना कि मैं आऊँगा, वो आ गया है वापस, आ गया वापस। हाँ। हाय अल्लाह। हाँ। और बाकी जो है ना वो मैंने भी खाना कब का रेडी कर लिया है, बस मैं अभी जो है ना आपको कॉल करने वाली थी। हाँ। मैंने सोचा पूछ लूँ, क्योंकि बच्चे रो रहे थे, वो कह रहे थे हमें भूख लगी है। हाँ, तो, ये देखो परी जो है ना रो रही है, परी रो रही है, खाना वगैरह खाते हैं फिर मिलते हैं, मतलब के खाने का जो रूटीन होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। चावल जो है बिरयानी पुलाव 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 हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पर जो डॉक्टर सुल्तान जिस वजह से ये रुका है, इसको तो वो बिरयानी मिलनी चाहिए ना, पुलाव ऐसे ना हो गया।
एक हाथ टेढ़ी हो गई है, और से दिखाएं उसको। हाँ, एक हाथ वैसे इसने टेढ़ी की हुई है। अभी जो है ना यहाँ पर सब हमारी फैमिली बैठ चुकी है माशाल्लाह से। ओ मेरी फूफो, ओ मेरी सोनी फूफो, बैठी हो, चावल खाओगी? वो भी चिकन वाले? वाह सरदार वाह, क्या बात है आपकी तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी इधर बैठे सरदार, अमीना सरदार जी। सरदार क्या हाल है? खुश वदी, मौज लगी हुई है। आज क्या खाओ? चावल खाओगी? अच्छा आज चावल खाएगी जी, माशाल्लाह। रायता भी बना हुआ है। ओ खैरा, ये देखे जी खर्चे की हुए, आज रायता भी बना हुआ है। नहीं, पहले नहीं, इसकी लुक चेक कराओ। हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। कैसे बोला आपने? वाह परी, कैसे पके हैं? हाँ जबरदस्त, लाइक। हाँ लाइक, जबरदस्त लाइक। हाँ लाइक, अभी खाओगे फिर देना। अभी जो है साहब को माशाल्लाह चावल बड़े बड़े बने हुए हैं, पूरे सर जेरे आदिफ के कद जितना चावल बने हुए हैं। एक चमचा उधर से बड़े वाला ले आओ, अबू जान को सबसे पहले ना अबू जान को दे आते हैं। हाँ चमचे उधर हैं, और डॉक्टर सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक होता आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक होता आ रहा है। हाँ चलो जी साहब को देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। दौड़ वो मेरी, ये क्या हुआ, टांग को क्या हुआ, अचानक से ना ऐसे झटका लगा। ये चावल जो है मेरे को मिल गए हैं, और इधर ये जो है ना आधा पतीला खाली कर चुकी है। सारे खादी में नहीं हो, ऐसे थोड़ी पली पड़ी है। हाँ ऐसे पली पड़ी है, ये देखो रहता अलग अलग खा रही है। फूफो कैसे चावल पके हुए हैं? चावल पके पैन। अच्छा माशाल्लाह, बोटिया ही है ना? बोटिया बेचे छोटी मरे न छोटी, मैंने वो नहीं डाले थे। हाँ माशाल्लाह, सब जो है इधर खा रहे हैं चावल। अमीना चावल कैसे बने हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ क्या 11 बजे किसने कहा? अच्छा सुता रहा है, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं। जो है ना सब खा रहे हैं, इस तरह पे कह दिया तुम बैठे हो। और इधर सुल्तान बैठा है, बता आप चावल कैसे पके हैं? जबरदस्त आवाज नहीं निकल रही, अभी खाने पे लगा हुआ है ना। चलो फिर खाओ खाओ माशाल्लाह, छीको छीको। मैं भी खाता हूँ जी, मिलते हैं फिर खाना खाने के बाद। और इसको देखो खा, मैंने रोका है क्या? खा खा, लाइक जबरदस्त, लाइक जबरदस्त। हाँ सही है, होले खा गए, कोई नहीं खस्ता आपसे। नीचे भी गिरा रही हो वैसे जो है ना, जितने बार भी बनाया ना चावल, आज वाला चावल ना वैसे ही उससे भी बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह। अच्छा। भूख भी नहीं थी फिर भी देखें आधी प्लेट खा गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपको चावल मिल गया। आपको चावल मिल गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ नहीं तो ना मिलता है। चलो कोई नहीं, नसीब में है, चलो खा लें हम, फिर मिलते हैं। नहीं तो मेरी फूफो देखो हड्डियाँ खा रही है। हाँ सरदार मेरी फूफो हड्डियाँ खा रही हो, दांत तो है नहीं आपके। बड़ा सा मुंह खोलो, बड़ा सा, ये देखो नाक भी साथ में खा रहा है, ये देखो नाक भी हर चीज साथ में मिला के खाती हो। बड़ा सा मुंह खोलो, बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा, ऐसे करो। इतना बड़ा बात है उसका नहीं है, फंस गए चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी फूफो को ना सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, और खुश रहे हमेशा, ऐसे मुस्कुराती रहे, हड्डियाँ खाती रहे, गोश्त खाती रहे, शौक से खाती है मेरी फूफो। ये इधर दो, इधर दो, सुल्तान को दो जल्दी जल्दी से। बोटिया ये नहीं खाता, ये किच्चा ये खुद शौक से खाती है। अमीना को भी बोटी दो, वो मांग रही है। चलो जी मैं खा लूँ, नहीं तो मेरी ये ठंडी हो जाएगी। फैमिली जो है खाना वगैरह खा लिया, सब मेहमान चले गए हैं, और बच्चे हैं हम और मेरी अमीना। अमीना सरदार क्या कर रही हो इधर? हाँ हिंदवाने का हाल देख रहे हैं जी, रत्ता लाल होता जा रहा है। मतलब ये इसकी गलती है कि ये रत्ता लाल क्यों होता जा रहा है, ये अमीना की नजर में ये बहुत बड़ी गलती है।
बोतलों को जो ऊपर ठंडक हाँ ठंडक ऊपर इधर रखेंगे। ये अमीना सरदार का कहना है कि इधर जो बोतल रखेंगे वो ठंडक होगी, जो नीचे इस जगह पे रखोगे वो नहीं होगी। और मतीरे को जो है ना इधर रखना है, ये ज्यादा लाल होता जा रहा है, इसकी गलती है, ये लाल क्यों हो रहा है। नहीं गुलाम बास को नहीं उठाने जाएगा वो, नहीं। और शानू उठा दे, वो नाश्ता कैसे हाँ, रात के टाइम वो नाश्ता करेगा शानू। हाँ ठीक हो गया, 10 बजे आ दे और जगा दे करे। हाँ सारा रात क्या करता है? बस वैसे गुलाम बस कुचा। अच्छा सही हो गया। अच्छा ये बताओ, ये बताओ आपका भाई गुलाम अब्बास अच्छा है या मैं अच्छा हूँ, ये मुझे बताओ। इधर इधर आओ, इधर आओ, मुझे ये बता, इस साइड, इस साइड पे सामने आओ। अब ये बता तेरा भाई गुलाम अब्बास अच्छा है या मैं अच्छा हूँ? अल्ताफ अच्छा है, अब्बास अच्छा है या अल्ताफ अच्छा है? अल्ताफ अच्छा है, अल्ताफ अच्छा है, अब्बास अच्छा है। मेरा सोना पता लग दे बुखार आ गए। हाँ मेरे को 420 था बुखार आ गए। हाँ डॉक्टर से मैं चेक करवाता हूँ, मुझे 420 का बुखार है, जो बुखार इतना गंदा है कि मुझे तंग करता रहता है। ये अंदर का बुखार ना। हाँ। हाँ, मेरा फिर गला ठीक हो जाएगा, बुखार मेरे को है और टीके लगवाऊंगा तो फिर मेरा गला ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक नहीं होगा। हाँ। मेरे पैरों पे चढ़ गई हो छोड़ पैसे को क्या करेगी, पैसा तेरे तेरे ऊपर पैसा फिदा है, तुझे किस चीज की जरूरत? आपको पैसे हाँ आप खुद पैसे आप पैसे देने वाली हो मुझे तो आप कहती हो मुझे नहीं, मुझसे ना लिया कर, मुझे दिया कर पैसे जितना। इधर नहीं है वो, उधर है तेरी भाभी के पास है, मेरे पास नहीं देती वो, नहीं देती। हाँ ये असली बात अब बोली है ना, वो कहती है मैं नहीं देती क्योंकि ये बोतलें ले लेकर पीती है, फिर खांसी हो जाती है मेरे सरदार को। वाह सरदार वाह, दुनिया में कौन अच्छा है? शानू अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, दुनिया में ये बताओ ये जो जिंदगी है ये कैसी जिंदगी है? कोई नहीं अच्छा लगता जिंदगी में, कोई अच्छा नहीं लगता। वाह जी वाह। अच्छा दुनिया में अगर आए हो तो क्या करने आए हो? पहले ये नहीं नहीं मुझे सवालों के जवाब दे, दुनिया में आई हो क्या करने आई हो? मैं नहीं नहीं मैंने जो सवाल वालेकुम सलाम मैंने पूछा है, तू दुनिया ते जो आई तू क्या कर आई? मैं जगारा के। अच्छा ये दुनिया में आई हो बोतलें सेट करने के लिए? हाँ जी। अच्छा हाँ जी सुन लिया, ये दुनिया में आई है बोतलें सेट करने के लिए और बोतलें भरने के लिए। वाह सरदार अमीना सरदार क्या बात है, दुनिया हम दुनिया में आए हैं, इम्तिहान है दुनिया तो हम इम्तिहान दे सदके। ये बात है ना, असल बात आज बोली है अमीना ने, अल्लाह बेहतर जानता है ये दुनिया क्या है क्या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। वाह सरदार वाह क्या बात है, आप तो फिर ऊपर चली गई हो, ऊपर बहुत दुनिया। अच्छा अब ये बताओ बात सुनो, जो बंदे मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो शेखम भट्टे चले गए। अच्छा जो मर जाते हैं वो शेखम भट्टे चले जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, जो मर जाते हैं वो शेखम भट्टे चले जाते हैं, मतलब मिसबा बेटी के घर मतलब वो गुलाम बास वाले कहाँ गए हैं? अच्छा ये वो तो फिर आपने गलत बोल दिया। जवेरिया कहाँ गई? जवेरिया जवेरिया उधर जाओ बेटा, वो दरवाजा बंद कर दो, अबू ने आवाज़ खोली हुई है ज्यादा तो फिर वीडियो का मजा नहीं आता, आप जल्दी जल्दी से जाओ दरवाजा बंद करो। हाँ अमीना मुझे ये बताओ, वालेकुम सलाम, ये आ गए जी बच्चे मस्जिद से, मस्जिद पढ़ के। इधर अमीना मेरे सोए, ओ किधर जा रही हो? अच्छा काम का टाइम है आपका? हाँ। अभी काम करना है? उठाया हाँ। नाश्ता। अच्छा अच्छा मैं नहा लूं? काल का धाती नहीं, मुझे चौथा दिन है कपड़े एक ही पहने हुए हैं। ये बात ठीक है ना मेरे सोने, आपने नवे कपड़े आपने नवे कपड़े पहने हैं, मैं पुराने पहनूं? ये देखो जी, ओ मेरी फुफो उठ गई है जी, मेरी फुफो सोनी फुफो, क्या हाल है मुड़? ठीक बैठी हो? अल्लाह रोटियां खा की दिया है? हाँ? रोटी खा ली है?
अच्छा हूँ पानी पी लो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पानी पी ले आपने पानी दिया है ठंडा ठंडा अच्छा दूसरा वो ठाके कर रही है अमीना ठाके नहीं करो आज हम हाँ। उधर ट्यूशन जाएंगे वो टीचर कहा था जब वो रिजल्ट वो लेके आने हैं तो फिर ट्यूशन आना है तो फिर आज जाएंगे वो ट्रॉफी रिजल्ट लेकर ट्रॉफियां लेकर अच्छा वाह जी वाह मेरे सोने सोने माशाल्लाह जी ये आज इनकी ट्यूशन वाली टीचर बोली कि वो अपना रिजल्ट कार्ड लेके आना तो ये रिजल्ट कार्ड लेके जाएगी और बताएगी मस्जिद से हुआ है आज उस्ताद साहब ने तो कुछ नहीं बोला नहीं। कल नहीं गए थे आप लोग कुछ नहीं कहता इसलिए फिर आप छुट्टी कर लेते हो मस्जिद की छुट्टी ना किया करो ठीक है मस्जिद जो है ना ये हमारे फायदे के लिए है कुरान पाक हम पढ़ेंगे उस पर अमल करेंगे ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें जिंदा इसलिए ज़िंदगी इसलिए दी है कुरान पाक पढ़ने की इसको समझने की और अपने नबी पाक के जो भी उनके असूल थे रूल थे उन पे चलने की सही है हाँ सुन्नत के तरीके पे चलना है इंशाल्लाह सही है हाँ इंशाल्लाह सोना है मेरे शगादे और इसको देखो ये अपने पंगों में लड़ी रहती है लगी रहती है कोई ना कोई पंगा करी रहती है ओए सुसरी ओ मेरी सोनी सुसरी सुसरी ये क्या कर रही हो खटले को धो रही हो वाह सुसरी वाह क्या बात है अच्छा एक ना सिस्टर थी पत्नी भाई था पूछ रहा था इनके रियल नाम क्या है एक तो शहजादी है एक परी है इनका असल नाम क्या है तो ये शहजादी जो है इसका असल नाम है अलिशबा क्या नाम है अलिशबा और दूसरी जो परी है उसका असल नाम है उसका असल नाम क्या है परी का हाँ जोर से बोलो अलीजा अलीजा हाँ जी ये है अलिशबा और वो है अलीजा मतलब इनके नाम फिर चेंज हुए थे मतलब प्यार से सब बोलने लगे परी और शहजादी तो एक ये बड़ी है अलिशबा और छोटी जो है वो परी उसको बोल उसका रियल नाम है अलीजा अलीजा उर्फ परी अलिशबा उर्फ शहजादी अमीना उर्फ बिग बॉस ये हमारे घर की बिग बॉस है सही कहा था एक सिस्टर ने कमेंट्स किया था वो बोली कि ये आपके घर की बिग बॉस है इसके कहने पर सब चलता है मेरे सरदार के कहने पर दुपट्टा फिर उतर गया आपका हाँ वो तो उतर गया आपका दुपट्टा उतर गया है मेरे सोने हाँ दुपट्टा ऊपर करो शाबाश दुपट्टा करो सीधा पहले ये सरकार क्या बात है हाँ अब बोलो आप क्या कह रही थी अच्छा बोतल को ऊपर रखना है ठंडा हाँ वो रत्ते लाल हो रहे हैं ये जो रहता बनाया है ना वो वैसा का वैसा रहता है शाह 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 शानू नाश्ता करेगा अच्छा मैं मतीरा खा लूं मैं मतीरा खा लूं अच्छा मैं ना खाऊं उनको छोड़ो वो तो ऐसे वद्दे रहते हैं घूमते फिरते हैं हम इधर मतीरे खाएंगे अच्छा अमीना वो बहने बोल रही थी अमीना को पूछना कि ये क्या बात हुई इससे आप देखे मैंने कोई ज्यादा बात तो नहीं की ना हाँ वो हाँ मतलब मैं ये कह रहा था कि आपको पार्क जाना है अकबर के घर जाना है अच्छा कोटा दो जाना है मेरे मगरू लह जाओ हाँ जी मैं इसके मगरू लह रहा हूँ ये लो मगरू लह गया बस अच्छा नहीं जानते अभी वो काम में लगी हुई है जी जब काम में बिजी होती है तो फिर किसी की नहीं सुनती फिर कहती है कि मैं ही हूँ डॉन आप लोग बोल रहे हो कि ये इसको स्पीड स्पीड लगा रहे हैं ये क्या कर रहा है तो मैंने नहाना है इसलिए अपने आप को पसीना दे रहा हूँ फिर नहाने जाऊँगा और अबू जान आवाज़ थोड़ा कम करना हाँ इधर जो है ना व्लॉग स्टार्ट है दुआ फातिमा का व्लॉग लगा हुआ है वो देखो भाभी बैठी हुई है उठा के और साथ गुलाम बास बैठा हुआ है दुआ फातिमा को उठा के ये कहीं तैयारी बना के जा रहे हैं सरदार कहीं जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं दावत पे वो सदके दावते खा रहे हैं हाँ जी फिर मैं आपको कब दावत खिलाऊं मेरे सोने शहजादे नहीं आप अच्छा अब आज आप बताओ ये बताओ कि आपकी विश क्या है आपको क्या चाहिए मुझसे मतलब कि आप क्या चाहते हो कहाँ जाना है कहीं घूमने जाना है कोई खाना है कोई चीज चाहिए आज आप मुझे बताओ कि आपको क्या गिफ्ट आप ले जाएंगे नहीं नहीं मुझे आप बताओ जो हुक्म करो मैं वही मैं ताबेदार हूँ आपका आप मुझे सिर्फ बताओ कहाँ जाना है तो? आप हाँ जहाँ आप बोलो जो आपकी विश हो जो ख्वाहिश हो आपकी मेरे ख्याल
वही है। कौन सी? जहाँ आ जाएंगे। कहाँ? जहाँ जाओ। जहाँ जाऊँ? मतलब आप अपनी वेश बताओ। वो तो मेरी तो अपनी है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक समझे कि आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ जो आपको सबसे ज्यादा होगा, मतलब आपकी सबसे ज्यादा दिल कर रहा होगा कि यार मैं ये खाऊं या ये घूमूं, यहाँ जाऊं, ये करूं। यार खाने पे होना बस मजा कर। अच्छा, खाने पीने का कोई मसला नहीं, कोई मसला। फिर घूमने का है, कहाँ जाना है बताओ? अलीपुर। अलीपुर जाना है? अपने अपने इलाके में? हाँ जी। अपने गाँव जाना है? कब जाना है हुक्म करें? जडा चले, मतलब यानी ये जल्दी नहीं है, मतलब जब चलें ऐसे। चलो अभी तो वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि आपकी बहन आई हुई है ना, वो बोलेगी मैं भाई को इधर मिलने आई हूँ और भाई उधर जा रहा है। सही है ना? जैसे ही आपकी बहन का इधर से मतलब वो होता है कि घूम फिर के चली जाती है, फिर चलेंगे। सही है, मर्जी तो अभी। हाँ मर्जी नहीं, आपका गिफ्ट है, आपको सरप्राइज यही बस होगा ना। वो उसको साथ अभी वो इधर रहेगी ना, वो तो अभी आई है ना, कल आई है, वो फिर बोलेगी मैं उधर थक थक के इधर आई हूँ, इधर से फिर मुझे लेकर वापस जा रहे हैं, तो इसलिए फिर इधर अभी कुछ दिन वो रह लेगी ना, उसका दिल बहल जाएगा, वो खुश हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आप मैं अम्मी फिर हम चलेंगे उधर। सही है, ठीक है। आपकी ये ख्वाहिश डन हो गई। सब बहन भाई सुन रहे हैं, अब्बू जान को मेरे यार को जो है ना मैं अब औरों को सबको देता हूँ, और अपने अब्बू को जो है ना सरप्राइज देने वाला हूँ। ये बहुत जल्द मेरी फुफ्फो जो है ना वो घूम फिर ले, उसके बाद अब्बू को जो है ना मैं सरप्राइज दूंगा। टेंशन क्या बताओ क्या जी? वो अभी आपके घर आई है ना, इधर एक दो दिन चार दिन घूमे भी रहेगी, गाय खाए पिएगी, फिर उसके बाद वो मामू वाले के घर जाएगी, उधर घूमे फिरेगी, फिर हम एक साथ ये इसी महीने में जाऊंगा। नो टेंशन जानी, टेंशन नहीं लेना। आपको अब्बू जान को यही सरप्राइज देने वाले हैं कि अब्बू जान की वेश है अलीपुर जाना, तो कोई बात नहीं, अलीपुर ले जाते हैं अब्बू जान को घुमाने के लिए। सही है। किस चीज पे जाना है? कोता रेडी पे कहता घुमा लो। नहीं यार धूप बहुत है, गर्मी में फड़ जाएंगे, उधर पहुंचते पहुंचते काले हो जाएंगे। क्या जहाज मंगवाते हैं ना, फिर जहाज पे जाएंगे, इधर से ऐसे उड़ेंगे सीधा उधर, फिर उधर लैंड करेंगे, उधर से फिर वापस। सही है। हाँ चलो जी, सही हो गया। अबू जान की वेश थी ये, मैं जस्ट मजाक कर रहा था, लेकिन अबू जान को जो है ना अबू जान की वेश यही है अलीपुर की, तो मैं इनको इंशाल्लाह इसी मंथ के लास्ट तक इंशाल्लाह ले जाऊंगा, क्योंकि अभी फौरी तो नहीं जा सकते। मेरी फुफ्फो आई है ना, फुफ्फो फिर सोचेगी कि मैं इधर आई हूँ, ये लोग उधर चले गए हैं, तो अभी जो है ना अबू जान को कुछ देर ऐसे खाना खिलाते पिलाते हैं ना, फिर लेके जाएंगे। हाँ, और अम्मी जान इधर सोई हुई है, परी मेरी वो उठ गई है, और अबू जान इधर देख रहे हैं, और ये देखे अयान साहब इधर सोए हैं। अयान साहब अभी जो है ना रोला कर रहा था कुछ देर पहले, मुझसे लड़ रहा था कि बाबा मुझे तोता लेके दो, मुझे मैंने डबल मतलब कि इनाम लिया है, गिफ्ट मिला है सरप्राइज़ के, ट्रॉफी भी ली है, लॉकेट भी मिला है, तो मुझे ना अब तोता लेके दो, जैसा कि अकरम भाई के घर है बच्चा वो मुझे लेके दो। मैंने कहा यार रहने दे, वो मर जाएगा यार। नहीं बोलता है, वो वसीम पालता है, मैं भी पाल लूँगा, मुझे चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं। तो ये देखे ये सरदार भी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम अमीना सरदार, इधर देखो आपका मुखालिफ बंदा आया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। और भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो खुश हो, बाइक लेने आए हो? बाइक लेने आया हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर से वो ना गंदम उठानी है। गंदम आ गई है माशाल्लाह? नहीं आ नहीं गई है, वो पहले वाली जो रखी है। अच्छा, वो फिर पिसवाओगे? वो चक्की पे अभी डाल दूंगा ना जाके। अच्छा, सुबह फिर ले आओगे? जब बच्चों को छोड़ने जाऊंगा ना फिर ले आओगे? फिर जैसे छोड़ के बच्चों को आता हूँ फिर आटा लेके आ जाऊंगा। सही सही। और कोई चाय बोतल खाना पीना? नहीं अभी मेहमान थे मेरे पास। कौन आया था? वो मेरा कराची से मेहमान आए थे। अच्छा अच्छा, वो सोत। हाँ सही सही। फिर उनके खाना वगैरह बनाया, अभी वो अपने घर चले गए, अहमद भाई लेके गए घर छोड़ने। सही। कराची छोड़ने गया था मैंने। अच्छा, इधर है स्टेशन पे? नहीं नहीं, इधर जो उनका अपना घर है ना इधर भी। अच्छा अच्छा, इधर। हाँ इधर भी घर है। हाँ वो सौत्र फैजाबाद है ना। हाँ। फैजाबाद नीलगढ़। हाँ नीलगढ़। तो उधर वो छोड़ने गया, अभी खानपुर में था। हाँ। और मैं अभी जा रहा था, फिर मैंने कहा वो गंदम डाल के आऊँ, और इसमें कल पेट्रोल भी नहीं था, मैं कहता हूँ कि अभी पेट्रोल डलवाऊंगा। टंकी फुल कराओगे? नहीं, जो 100-200 का डलवा लूंगा। मगेम्बो खुश हुआ। तो वो जो है ना फिर उधर डालूंगा। हाँ। पेट्रोल डलवाऊंगा फिर चला जाऊंगा घर अपने पुराने। यार आज हम ना ऐसा करते हैं, पानी वाला जो पानी पे बाइक चलती है वो वाली लेते हैं।
पेट्रोल वाली महंगी पड़ जाती है हमें, अब देखो ना पेट्रोल पे चला चला के थक गए हैं, पानी वाले भी नहीं चलते। हाँ एक और बात, एक सिस्टर थी पत्नी भाई था, वो बोल रहा था कि भाई अपनी ये बाइक सेल कर दो, अकरम भाई की जैसी साफ सुथरी ले लो वो बेच दो। तो मैं उसको बताता चलूँ, वो मेरी नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था ये मेरी नहीं है, मेरी समझे कोई बाइक नहीं है, वो शानू की है, शानू को गिफ्ट मिला था। देखने वाले बहन भाई हैं उनको पता है कि ये वाली बाइक जो है ना मैंने कैसे ली थी। हाँ। क्योंकि मैं गंदम भी ऐसे कंधे पे उठा के जाता था, सिलेंडर वगैरह कंधे पे उठा के जाता था। हाँ। कभी किसी भाई से मांगता था, भाइयों की भी नहीं थी उस टाइम। हाँ। असगर भाई की बाइक थी, वो भी कभी खराब होती थी कभी कैसे। हाँ। तो बाद में फिर भाईयोदिन भाई ने ली और असलम भाई ने ले ली इस तरह ना। तो ये वाली बाइक जब मैंने ली है ना, मुझे पता है मैंने कैसे ली है, अल्लाह पाक से रात दिन दुआएं मांग के ये ली है। अल्लाह पाक खुश रखे इंशाल्लाह, सबको दुआएं कबूल होती हैं भाईजान। हाँ जी, और अभी दुआएं अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ कि मेरा घर जो है ना वो बन जाए इंशाल्लाह, वो भी बन जाएगा। मेन आप वो कहते हैं ना जैसे सराकी में है तो शाकिर दुआ मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने, बस ये होता है। दीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने, ये चीज ऐसे होता है, बस यही है। और बाइक इसी का बता रहा था, ये शानू की है इसलिए मैं इसको ना सेल कर सकता हूँ, बस इसको इस्तेमाल करता हूँ तो इसको बनवाता हूँ, ये उसकी है मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि ये उसको सरप्राइज मिला था, गिफ्ट मिला था यूट्यूब के जरिए, एक भाई था उसने भेजा था, अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे। ये उसकी तकरीबन 2 साल या 3 साल हो गए होंगे ऐसे ना, लेकिन न्यू बाइक 2-3 साल में खत्म कर दी यार, मैं इस चीज पे परेशान होता हूँ। 2-3 सालों में ना ऐसे, ये चाइना का ऐसा माल होता है ना भाई, ये सीडी है, सीडी लिया था। हाँ सीडी, ये जितना मतलब 10 साल भी चलाओ ये कुछ नहीं होता। हाँ ये पक्की होती है, ये जो है ना ये चाइना का माल जल्दी। ये देखें कि इसके ऊपर ना मैंने छोटे मोटे काम करा के इसके ऊपर 1,800 लगाया। हाँ। तो ये देखें अभी कैसी हो गई, ये अभी ना ये 15-20 दिन सुकून से चलेगी। सही, फिर उसके बाद फिर देखेंगे जो छोटा मोटा काम होता है। हाँ, ये तो होता रहता है, छोटे मोटे चीजें होती रहती है, इसको इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन है शानू की, मैं ना इसको फिर सेल कर सकता हूँ ना ही इसका कुछ कर सकता हूँ, अपनी अगर अलहदा से ले लूँ तो ले लूँ, नहीं तो ये शानू की है। सही हो गया, और आप जा रहे हो आपका टाइम, सही बात कर रही है, मैं कहता हूँ जबरदस्त, उसको ऐसे करके दिखाओ, वो ऐसे हार्ड है ना, ऐसे जोर लगाओगे आप खुद नीचे गिर जाओगे, वो नीचे नहीं जाएगी। कैसे है? हाँ जबरदस्त है, सीडी का माल है भाई, सीडी का है, हुंडा हुंडा। लेकिन ये देखे कि ये 16 मॉडल है। हाँ 16 मॉडल, आज क्या है 24। हाँ 8 साल हो गए इसको, 8 साल में देखे इसकी कंडीशन। और ये भाई जान ये देखो आपको लिए हुए भी कितना अरसा हुआ है, ये जो जिस बंदे के पहले पास था ना उसने किया रखी हुई थी इसकी। और नहीं उसने तो जब उन्होंने बेचा है ना हाँ। तो उन्होंने ये सारा कुछ इसका पॉलिश किया था। अच्छा अभी इसके रिम देखे काले क्यों हो गए, जंग उस दिन उन्होंने पॉलिश किया था, ये इसका सारा ये पॉलिश था, ये बॉडी गार्ड पॉलिश थे सारा कुछ। फिर ये तो मैंने इसको। अच्छा यार इस बात को छोड़ो, ये बताओ मेरा बच्चा जो है ना वो मुझे बार बार ना, एक तो मैंने उसको बोला था गिफ्ट दूंगा फर्स्ट पोजीशन लो, उसने डबल पोजीशन लिया है, तो उसको जो है ना वो मुझे बोल रहा है कि मुझे जैसा वसीम का तोता है मुझे वो लेके दो, तो वो कितने का मिलेगा? वो मिलने के लिए तो अच्छा। मिल जाएगा, मिलने के लिए तो अभी गर्मियां हैं सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं है वो बड़े हुए पड़े होंगे उसके पास। अच्छा। या और भी हो सकता है आ गए हों। सही। तो दूसरी बात यह है कि वो लेने के लिए तो 2-3 हज़ार का मिल जाएगा, 4 हज़ार का मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन बात यह है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, छोटे बच्चे का। वही मुझे पता नहीं था ना। अच्छा। मैं तो ले बैठा, जब मैं लेके आ गया अभी मुझे पता चल रहा है कि उसका कितना खर्चा है भाई। सही। वो और कुछ चीज खाते नहीं है छोटे बच्चे, वो खाते हैं वो सीरिलैक्स डाला जो होता है, 800 रुपए का डब्बा है वो, 400 चाहे 390 रुपए का मुझे देते हैं, इतना सारा होता है छोटा डब्बा, बड़ा मैंने देखा है 800 रुपए तो का। वो 400 रुपए का समेल ले, 400 रुपए का लेके आया तो वो 3-4 दिन नहीं निकालता। अच्छा समझे कि हफ्ते का 2 डब्बे लगते हैं। हाँ 800 रुपए उसका खर्चा है हफ्ते का, तो जब तक बड़ा होगा दूसरी खुराक खाने का 2100 रुपए मंथ का। हाँ जी, तो वो खाने तक का कितने महीने तक वो सीरिलैक खिलाएंगे? वो जब थोड़ा तकड़ा हो जाएगा जब खुराक, अभी तक देखेंगे मेरा जो उड़ गया है ना फिर वापस आ गया तो अभी तक वो और खुराक नहीं खा रहा, वही खा रहा है सीरिलैक खा रहा। चलो 6 माह मैं कहता हूँ खैर है, बेटे पे जान भी कुर्बान, वो क्या बात है वो। नहीं नहीं मैं बात आपको बता रहा हूँ खर्चे का, चलो ये को कर लूंगा आहिस्ता आहिस्ता वो। और दूसरी है कि थोड़ा जब बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है हाँ। फिर उसको चूरी वगैरह बना के दे दें वो भी खाता है। असल में ये है ना मैं बड़ा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो काटते हैं ये, फिर नहीं छोटे भी काटते हैं, छोटे छोटा बच्चा जैसे है ना उसको सिखाएंगे। ये अभी देख के मैंने दिखाया, मुझे भी काटा है, हालांकि पहले दिन से उसको खिला रहे, इतना सा था जब लेके आया,
उसको छेड़ा, लेकिन वो बच्चे शरारतें करते हैं ना, छेड़ते हैं वो, फिर इंसान को जैसे उसको करते मैंने देखा है, उसके मुंह के अंदर ना ऐसे उंगली करते हैं। वैसे भी इनकी आदत होती है, ये किसी चीज के ऊपर चढ़ते हैं ना तो ये चूहे पा के चढ़ते हैं। अगर मैं हने हाथ में बिठाना है ना ऐसे, नीचे से भी हाथ दूंगा तो उन्होंने पहले इधर चोंच रखनी है, चोंच रखनी है ऐसे दबा के फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो वो बच्चे कहते हैं कि ये चक मार रहा है, लेकिन वो जैसे ऐसे ऐसे करते हैं वो ज्यादा चक मारता है। इस तरह है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। चलो जी मिलते हैं फिर कुछ देर में। अभी जो है बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अकरम भाई जा रहे हैं तो आ जाओ, पानी पीते हैं, फिर मतीरा भी पड़ा है, मतीरा भी खाते हैं। अभी मैं जा रहा हूं, मुझे लेट हो जाएगी। चलो जी मिलते हैं फिर, मैंने भी नहाना भी है, नहा लूं फिर। सुबह फिर वो नहीं चलाते ना, अभी तो चक्की चलाएंगे ना। तो वो पिसाई रात को काट देंगे, सुबह फिर मैं लेके आ जाऊंगा। सही हो गया। अम्मी सरदार उठाइए, मेरी सोने शहजादे उठाए हैं, माशाल्लाह नींद पूरी हो गई। हाँ नींद आ गई थी, चाहे ढोल भी बजाते रहो अम्मी को नींद आ जाती है, क्योंकि अम्मी को सुनाई कम देता है ना। इसलिए चलो जी मिलते हैं फिर कुछ देर में। अरे दोस्तों ये उड़ के आया है, ये देखें, ये क्या बोलते हो आप अपनी जबान में, मुझे बताना है इसको क्या बोलते हो। हम तो इसको बोलते हैं बीबी सैन का घोड़ा, आप सब क्या बोलते हो? हम बोलते हैं बीबी सैन का घोड़ा। ये देखें ये उड़ के आया है, अचानक से आ गिरा, गर्मी है बहुत ज्यादा, तो ये देखें बिल्कुल ना ऐसे चल रहा है, हल्का फुल्का जैसे हो। ये कहाँ से आया है फरान? पता नहीं। ये क्या है? ये बीबी सैन का घोड़ा। बीबी सैन का घोड़ा, इसको पकड़ो। मुझे डर लगता है। वो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं कैसे इसको हटाऊं? कुछ नहीं कहता, इसको हाथ दो, नीचे से हाथ दो, कुछ नहीं कहता। हाँ ऐसे हाथ दो, ये आपके हाथ पे बैठ जाएगा। नहीं डरो नहीं, कुछ नहीं कहता ये, इसका मुंह थोड़ी है कि आपको काटेगा। हाँ देखो वो मेरे ऊपर बैठ रहा है, आगे हाथ दो, आगे आगे फ्रंट पे। हाँ ऐसे, चलो आपके हाथ पे बैठ गया, बस देखो कुछ नहीं कहता। अब इसको ना पानी पता नहीं पीता है या नहीं पीता, इसको पानी थोड़ा सा दो। ये मेरे ख्याल गर्मी से बेहोश हुआ पड़ा है। अयान नहीं जा रहा। कहाँ नहीं जा रहा? अयान को बुला, उसको बोल, उसको उठा उठा। और एक उसमें सफी वो बोल रही थी कि अल्लाह बोली आपके दांतों का क्या राज है, इतना चिट्टे दांत कैसे हैं? तो मैं उसको दिखा दूं मेरे दांत चिट्टे क्यों हैं। एक तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ मेडिकेम, ये हर किसी के पास मिल जाएगा, मतलब हर शॉप पे, छोटी सी शॉप पे भी मिल जाएगा मेडिकेम। दांतों पे ये लगाता हूँ, और दूसरा जो है ना वो जो बोल रही थी कि वो बोलती कि वो डब्बी बताओ जो आप इस्तेमाल करते हो, जो क्या कहते हैं पाउडर वाली, तो वो ये है रहमानी मंजन, ₹10 ₹10 ₹10 रहमानी मंजन। हाँ जी मैं पुप्पो, मेरी पुप्पो, ये रहमानी मंजन बेचने आया हूँ मैं, इसकी कीमत है सिर्फ ₹100, आपको मिलेगा लेस के साथ ₹50 का, तो ये स्पेशल, अगर आप दो लोगी तो ₹30 का एक मिलेगा। क्या मूड है, लेना है रहमानी मंजन? आपके दांत बिल्कुल चिट्टे हो जाएंगे, सही है? क्या मेरी पुप्पो कहती है जब दांत ही नहीं तो मैं चिट्टे क्या करूं। हाँ ये बात भी है, दांत ही नहीं है तो चिट्टे कैसे होंगे, ये भी ₹1,00,000 की बात है। तो जी मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये है रहमानी मंजन, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ रहमानी मंजन, इससे दांत बिल्कुल वाइट वाइट हो जाते हैं, जो पीले पीले होते हैं, दाग भी होते हैं, बिल्कुल बुरश के साथ इस्तेमाल होता है पाउडर। ये अक्सर मेरे ख्याल तो बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको। वो सिस्टर पूछ रही थी कि आप दांत इतने चिट्टे कैसे कर लेते हो, तो इसी से होते हैं। ये रहमानी मंजन लेता हूँ मैं, दो चार डब्बियाँ लेकर रख देता हूँ, फिर उसके ये बुरश के साथ इसको मारता हूँ, उंगली के साथ भी हो जाता है लेकिन बुरश के साथ मैं मारता हूँ, तो बिल्कुल चिट्टे ऊपर से मेडिकम उसके साथ सर टू बुरश कर लेता हूँ, वो ज़बरदस्त वाइट वाइट ऐसे सफ़ेद हो जाते हैं। ये रहमानी मंजन है, वो बार बार बोल रही थी कि भाई बताना नहीं, बताया नहीं आपने, तो ये था रहमानी मंजन। ओके हो गया। अम्मी जान की दवाई ले आया हूँ, अम्मी जान के पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया था, तो इंजेक्शन लगवाए हैं दो, और ये सिरप वगैरह दी है, दो सिरपे हैं और कुछ कैप्सूल वगैरह भी हैं, दो इंजेक्शन लगाए हैं। अभी अम्मी जो है ना इसको खाएगी पिएगी फिर ओके हो जाएगी, ऐसे अम्मी जान? हाँ वो डॉक्टर कहते हैं आप बुजुर्ग हो, अब नरम चीजें खाया करो, आप खाती क्या? मैं तो थोड़ी जितना एक चावल मैं खाने खा रही हूं। वो कहते हैं कि यही चावल और गोश्त खाए हैं ना, इसलिए फिर मैंने कहा अब कभी कभी खा भी लेते हैं, अब रूह को राजी करते हैं। सही हो गया। बस इसके अंदर ना ये दो चम्मच इधर से पी लो, दो ढक्कन इधर से, मैं चलो आपको देता हूँ फिर खोल देता हूँ, हाँ खोल के देता हूँ फिर पिलाता हूँ, मैं दवाई दे दूँ फिर मिलता हूँ। हाँ ये खाली पेट के कैप्सूल भी हैं, गोलियाँ भी हैं। ये क्या है, खाली पेट जान? हाँ एक खाने के बाद भी है और कुछ खाली पेट। वैसे अभी तो आपने ना इधर से खा लेनी है ना एक एक,
बाकी वो फिर उसी हिसाब से अभी फौरन जो है अभी खानी है, ठीक है। ओ सरदार ये क्या कर रही हो सरदार? बड़े के आ गए हैं। अच्छा इसको सेट कर रही हो? वाह सरदार वाह, आप तो तकड़ी हो गई हो। चेक मैं चेक नहीं बना सकता, मेरे को डहा नहीं आता। आपको डहा आता है, आप बनाओ। मेरे को डहा नहीं आता। ऐसे खोल के इसको रख दिया। ये देखो जी इसने इसको सेट कर रही थी, मैंने जब वीडियो कैमरा खोला तो फिर कहती है कि मुझे बना दो, पहले ये खोली बना रही थी। अच्छा सही हो गया, सही हो गया। चलो बनाओ, कैसे बनाती हो दिखाओ। हाँ शाबाश बनाओ। हाँ भाजीदा नहीं है। हाँ जोर लगा। तू किधर मर आवे नहीं, चार पाई को बोलते तो किधर मर रहा है। गांठ मारनी है। हाँ सही है, मैं आपको ये बना देता हूँ। दोस्तों अमीना की चारपाई जो है मैंने ओके कर दी है, वो देखें बन चुकी है। और वीडियो देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय 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 करो। बाय।